क्या आपने कभी डैंड्रफ कंधों पर गिरने के डर से डार्क कलर के कपड़े पहनना अवॉइड किया है? हेलो व्यूअर्स, डैंड्रफ बालों में हो या कंधों पर, ये शर्मिंदगी और गुस्से दोनों का कारण बनता है। अकेले अमेरिका में आधी अडल्ट पॉपुलेशन डैंड्रफ से परेशान है, जो 20 की उम्र के लोगों में ज्यादा दिखाई देता है और 50 के बाद थोड़ा कम हो जाता है। आपको रूखे या ऑयली स्कैल्प, स्किन कंडीशंस, हॉर्मोन्स या हेयर प्रोडक्ट्स और शैम्पू से सेंसिटिविटी के कारण डैंड्रफ हो सकता है। डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे हेयर प्रोडक्ट्स पर बहुत पैसे खर्च करते हैं, पर शायद ही इससे अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना पैसे खर्च किए नेचुरल तरीके से इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, तो एग योक से लेकर नारियल के तेल तक, आइए देखते हैं क्या है नेचुरल रेमेडीज। पहला, बेकिंग सोडा। अगली बार आप डैंड्रफ नोटिस करें तो इलाज के लिए अपनी किचन में झांकें। बेकिंग सोडा डैंड्रफ के इलाज का सबसे सस्ता और इफेक्टिव नेचुरल तरीका है और ये सबके घरों में पाया जाता है। बेकिंग सोडा स्कैल्प को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन हटाने में मदद करता है, ताकि ये डैंड्रफ में ना बदल पाए। ये स्कैल्प से एक्स्ट्रा तेल को हटाकर एक हेल्दी पीएच बैलेंस बनाता है, ताकि यीस्ट का विकास ना हो सके। सबसे पहले बालों को पानी से धो लें, फिर 2 चम्मच बेकिंग सोडा में पानी की कुछ बूंदें डालकर पेस्ट बना लें और इससे पूरे स्कैल्प की मालिश करें। आखिर में इसे धो लें बिना शैम्पू लगाए और हमेशा की तरह कंडीशन करें। आप जब तक चाहें शैम्पू की जगह बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। डैंड्रफ हो तो ये बदलाव करें और जब तक जरूरत हो तब तक यूज करें। दूसरा, नींबू का रस। डैंड्रफ के प्रमुख कारणों में से एक होता है बैक्टीरिया, जो बालों के फॉलिकल्स बंद कर देता है। आप केवल थोड़े से नींबू के रस से इस बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। एक नींबू का रस निकालिए और उसमें आधा कप गर्म पानी डालिए, फिर उसे स्कैल्प पर डालकर 5 मिनट के लिए वैसे ही रखिए और हमेशा की तरह शैम्पू से धो लीजिए। या फिर 1 चम्मच नींबू के रस को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर कंडीशनिंग के बाद इस्तेमाल करें। कंडीशनर धोने के बाद इसे अपने सर पर डालिए, इसे बालों में ही सूखने दीजिए। तीसरा, एग योक। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एग योक डैंड्रफ से छुटकारा पाने का बेहतरीन नेचुरल तरीका है। एग योक का विटामिन ए बालों में ज्यादा सीबम पैदा करता है और डैंड्रफ को रोकने में मदद करता है। 1 या 2 एग योक को निकाल कर फेंट लें, केवल स्कैल्प के भाग में लगाएं, बाकी के बालों पर नहीं। अपने सर को एक प्लास्टिक बैग से ढक लें, ताकि अंडे का मिश्रण बालों से ना टपके। 1 घंटे बाद शैम्पू से धो लें। ये तरीका तभी अपनाएं अगर आप तेज गंध बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि एग योक से बहुत बदबू आती है। चौथा, नारियल का तेल। नारियल के तेल में ढेर सारे एंटी फंगल कंपाउंड्स होते हैं, जो फंगस को हटाकर डैंड्रफ को रोकते हैं। सिर्फ यही नहीं, नारियल का तेल बहुत मॉइस्चराइजिंग भी होता है, इसलिए यह आपकी रूखी त्वचा को मुलायम बनाकर डैंड्रफ होने से रोकता है। नारियल का तेल डैंड्रफ का सबसे आसान नेचुरल इलाज है। 1 चम्मच नारियल का तेल गर्म कीजिए और सीधा स्कैल्प पर लगाइए। 5 मिनट तक जड़ों में मालिश कीजिए। सर को एक शावर कैप से ढकिए और कम से कम 30 मिनट या रात भर के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर शैम्पू से धो लीजिए। पांचवा, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर बहुत सी बीमारियों का जाना माना नेचुरल इलाज है और ये हेयर कंडीशनर के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये आपके स्कैल्प का पीएच बदलने में मदद करता है, जिससे वहाँ यीस्ट आसानी से ग्रो नहीं होता। 1 मेजरिंग कप में 1 पार्ट एप्पल साइडर विनेगर और 1 पार्ट पानी का मिलाइए। बालों को शैम्पू करिए और धो लीजिए। अब ध्यान से एप्पल साइडर विनेगर और पानी के मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर डालिए। स्कैल्प की मालिश कीजिए, हमेशा की तरह बाल धुलिए और सवारिए। बाल सूखने के बाद विनेगर की स्मेल भी नहीं आएगी। छठा, शहद। शहद में ढेर सारे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स और मिनरल्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ये एक एंटी माइक्रोबियल है, जो बालों की कंडीशनिंग के साथ ही स्कैल्प को आराम भी देता है। शहद पैथोजन इन्फेक्शंस होने से बचाता है और उन माइक्रोब्स को रखने में मदद करता है, जो डैंड्रफ नहीं होने देते। क्योंकि शहद बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, आपको इसे इस्तेमाल करने से पहले पतला कर लेना चाहिए। 1-2 चम्मच शहद को 2/3 कप गर्म पानी में घोल लें। इससे 5 से 10 मिनट तक स्कैल्प पर मालिश करें, पर बालों पर ना लगने दें। 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, फिर गर्म या सादे पानी से धो लें। इसे हफ्ते में 2 बार डैंड्रफ खत्म होने तक इस्तेमाल करें।
सातवां टी ट्री ऑयल। आपके शैम्पू में अगर 5% भी टी ट्री ऑयल हो तो आपके स्कैल्प की कंडीशन सुधर सकती है। डैंड्रफ के मामले में टी ट्री ऑयल लाइफ सेवर साबित हो सकता है क्योंकि इसके एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों के कारण इसका इफेक्ट तुरंत दिखाई देता है। एक 200 ml की शैम्पू बॉटल में 8 से 10 बूंद टी ट्री ऑयल की डालिए। हमेशा की तरह बाल धोइए, लेकिन टी ट्री ऑयल के बेनिफिट्स बालों में अब्सॉर्ब हों इसके लिए शैम्पू को कुछ देर स्कैल्प पर लगा रहने दीजिए, फिर धोइए। सामान्य तेल में डालकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 3/4 सामान्य तेल में टी ट्री ऑयल की 15 बूंदे डालें और इस मिक्सचर को अपने बालों में लगाकर मालिश करें। रात भर ऐसे ही रखें और अगली सुबह धो लें। आठवां, प्याज का रस। प्याज में फाइटोकेमिकल कंपाउंड होते हैं जो डैंड्रफ से लड़ने में मदद करते हैं। इसके इस्तेमाल से स्किन पर परत जमना बंद होता है और डैंड्रफ का बार बार आना भी कम होता है। आधा प्याज लेकर उसका रस निकाल लीजिए, उसे छानकर स्कैल्प पर लगाइए, 1 घंटे बाद धो लीजिए। ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इस रस को हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। नवा, एलोवेरा। स्किन और बॉडी के लिए एलोवेरा के फायदों के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन इससे डैंड्रफ भी दूर होता है। इसमें काफी बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनसे स्किन के डिसऑर्डर्स का इलाज किया जाता है। एलोवेरा के रस में एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो डैंड्रफ समेत किसी भी फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। थोड़े एलोवेरा जेल से स्कैल्प पर मसाज कीजिए। मसाज गोल गोल घुमाते हुए कीजिए ताकि पूरा जेल स्कैल्प में अब्सॉर्ब हो जाए। 1 घंटे बाद धो लीजिए। इस जेल को हफ्ते में 2 बार तब तक लगाइए जब तक डैंड्रफ खत्म ना हो जाए। दसवां, दही। सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन खट्टा दही डैंड्रफ का एक घरेलू इलाज है। दही का एसिडिक नेचर डैंड्रफ से लड़ने के साथ ही बालों को कंडीशन करके उन्हें मुलायम और चमकदार बनाता है। थोड़ा सा खट्टा दही फेंट कर अपने स्कैल्प पर लगाइए, 1 घंटे बाद धो लीजिए। बालों में आया चेंज देखकर आप खुश हो जाएंगे। 11वां, मेथी दाना। डैंड्रफ की समस्या से जूझने वालों के लिए मेथी दाना जादू का काम करता है। इसमें बहुत से एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण हैं जो डैंड्रफ से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। मेथी दाने में प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन भी होते हैं जो बालों को बहुत फायदा करते हैं। मेथी दाने को रात भर के लिए 1 कटोरा पानी में भिगो दें, सुबह पीस कर पेस्ट बना लें और स्कैल्प और बालों पर लगाएं। 30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धोकर कंडीशनर लगा लें। 12वां, नमक। साधारण नमक या समुद्री नमक आपके बालों से डैंड्रफ हटाने में मदद करता है। जब बाल सूखे हों तो स्कैल्प पर 1-2 चम्मच नमक रगड़ें। नमक का खुरदरापन रूखी पपड़ी वाली स्किन को ढीला करने में मदद करता है। अगर आप किसी और व्यक्ति से स्कैल्प पर नमक घिसाएं तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद हमेशा की तरह शैम्पू करके बालों से रूखी त्वचा और नमक धो डालें। ये इलाज जितनी बार चाहें उतनी बार किया जा सकता है। 13वां, लहसुन। लहसुन एक ताकतवर एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आदर्श है। ताज़ा लहसुन कूट पीस कर स्कैल्प पर लगाइए। इसकी स्मेल आपको थोड़ी तेज लग सकती है। इस स्मेल को कम करने के लिए थोड़ा शहद मिलाकर लगाइए। इस मिक्सचर को स्कैल्प पर लगाकर मसाज कीजिए और आधा या 1 घंटे तक रहने दीजिए, फिर बालों को धो लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे हफ्ते में 1 बार यूज करें। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है या आने वाले कल में कभी हो तो इनमें से एक नेचुरल रेमेडी को जरूर ट्राई करिए। साथ ही अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अगर हमने आपको ऐसे ही और वीडियोस के बारे में नहीं बताया तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।